नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 70 में। हम यहाँ महेंद्रगढ़ विधानसभा के क्षेत्र बलाचा गांव में आकर के पहुंचे हैं। बलाचा में कुछ बुजुर्ग हमें बैठे मिले हैं यहाँ पर, और इनसे जो लोकसभा के चुनाव कुछ ही समय बाद होने वाले हैं उनकी जो राय है वो जानने की कोशिश करेंगे। एक एक करके हम उनसे पता करते हैं। बाबा, अपना नाम बताइए। हरी सिंह जी। तो हरी सिंह जी, क्या लगता है, अभी कुछ ही समय बाद चुनाव होने वाले हैं लोकसभा में, 12 मई के चुनाव है, तो आपके बताइए कौन सा कैंडिडेट, कौन सी पार्टी आपको पसंद करती है? हम तो मोदी नहीं पसंद करा। मोदी जी को पसंद करते हो? तो अभी कैंडिडेट चौधरी धर्मवीर सिंह उतारा गया है, तो क्या लगता है? वो ठीक लगता है। ठीक लगता है। तो अभी कांग्रेस पार्टी का किस तरह से रुझान है, क्यों पसंद नहीं करते? कांग्रेस पार्टी की मारे पसंद कम से है, उनकी दादा से, मोदी की दादा से। हमने धर्मवीर से भी कोई लागू उतारा नहीं, हमने तो मोदी ही मतलब। तो मोदी को पसंद करते हो ज्यादा? उसको पसंद करते। तो अभी जैसे जननायक जनता पार्टी का जैसे स्वाति यादव, जैसे अहिरवाल जैसे क्षेत्र है इस साइड का, तो अहिरों की लड़की है, तो उसको किस तरह देखते, क्यों पसंद नहीं करते आप? ना, हम तो एक सिर्फ विश्वास एक ही चीज पकड़ रहा कि जो जाति पाति से कोई मतलब नहीं, जाति से कोई मतलब नहीं होता भाई, बाकी कैंडिडेट आपको चाहिए। चलो, तो सर आप अपना नाम बताइए। तो क्या लगता है कौन सी सरकार आनी चाहिए सर? मोदी की सरकार। मोदी जी की? मोदी जी क्यों पसंद कर रहे हो, क्या क्वालिटी अच्छी? मोदी संतन खड़े जनता खड़े, मोदी ने बहुत काम कराया, कांग्रेस ने कोई काम कराया। तो अभी और जैसे नई नई पार्टियां जहां हरियाणा में जैसे क्षेत्रीय पार्टी है, उनका किस तरह से रुझान, क्या देखते हो? कुछ ना, सब पैसा बना उनका चक्कर में बैठ जाएगा, पैसा ले जाएगा। तो अभी कोई रुझान नहीं है उनका? तो आपको आपको भी मतलब बीजेपी मोदी जी को पसंद करते हैं? ठीक। बाबा अपना नाम? छत्रपाल। तो लंबड़दार जी, तो क्या लगता है बाबा, 2019 में अभी कुछ ही समय बाद चुनाव होने जा रहे हैं लोकसभा के, तो मोदी ने मोदी जी को पसंद करते हो, तो क्या लगता है कि भी आपके गांव में कितने वोट होंगे कुल मिला के? हमारा गाँव में वोट 750। 750 वोट है, तो तकरीबन आपके मोदी के पक्ष में, मोदी का ही, मोदी जी को पसंद कर रहे हैं सारे गांव के। तो कांग्रेस को क्यों पसंद नहीं करते? कांग्रेस को पसंद क्यों करें ना? क्यों नहीं करें तो नहीं, मैं बात खुद ही क्यों करें। तो आपको पसंद नहीं है कांग्रेस? कुछ पसंद। मोदी जी की क्या क्वालिटी जो आपको पसंद आई, जिसको आप प्रभावित हुए ज्यादा? मोदी जी को ठीक आई है, चलना पराक्रम देखो, बढ़िया करो, उग्रवाद खत्म करो। ठीक है, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम किशन लाल है। तो किशन लाल जी, क्या लगता है, अभी कुछ ही समय बाद लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो एक्स सरपंच भी हैं, तो एक्स सरपंच जी आप से मुलाकात की, तो क्या लगता है कि कौन सी सरकार बननी चाहिए आपकी नजर? मोदी की सरकार को पसंद करते हैं। मोदी जी को पसंद कर रहे हैं? मोदी जी की क्वालिटी क्या है जो आपको? तो देश हित में बढ़िया है, समाज हित से बढ़िया है, देश हित में बढ़िया है, विदेश नीति बढ़िया है, और किसानों के लिए ठीक है भाई, 2000 रुपये 6000 रुपये साल के जो किए हैं उससे किसानों कुछ तो राहत मिलेगी। तो अभी ये तो ये कह रहे हैं कि छोड़ो, ये कह रहे हैं कि 72000 रुपये हम देंगे अभी आगे से। वो 72000 तो उन्होंने बताया ना, कैसे देंगे वो उन्होंने बताया, वो किस चीज का देगा, कौन सा देगा? वो किसानों को देंगे, किसानों के लिए। किसानों नाम सोचते हो? तो कह रहे हैं कि जैसे गरीबों को, किसानों को, अभी किसानों को दिया है आपने 6000 रुपये, तो ऐसे कह रहे हैं 72000 रुपये हम देंगे। 72000 कोई पता नहीं, तो कितना आपको कितना सही लगती है इस बात? कुछ का हमें तो पता नहीं, अखबार के मुताबिक तो नाम तो लिया नहीं उसने कि गरीबों को देंगे या बैकवर्ड। चलो ठीक है बाबा, एक मिनट मैं बाद में पूछ लेंगे आपसे, एक बार ये रिकॉर्डिंग चल रही है, टीवी पे आएगा फिर आपका। तो आप अपना नाम बताइए। दुलीचंद। तो दुलीचंद जी, क्या लगता है कौन सी सरकार बना रहे हो आपकी? मैं तो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी बनाता हूँ। अच्छा, जो LSP BSP का गठबंधन हुआ है राजकुमार सैनी की, राजकुमार सैनी, तो इसमें क्या क्वालिटी, क्या खासियत आपको अच्छी लगती है जिससे? मेरे को ये पसंद लगती है कि जाटों से खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, जाटों की राजनीति है, जाट ही सब कुछ अपने नौकरी पैसा जाटों का है, ये उससे खिलाफ है। तो राजकुमार सैनी जो है, ये जो LSP का बनाया है इसने, तो इसको पसंद कर रहे हो? तो मोदी जी को और अन्य जैसे कांग्रेस को क्यों पसंद नहीं कर रहे? नहीं, मोदी भी अनुमे से। अच्छा, मोदी जी इन्हीं में मिले हुए हैं, मोदी जी इन्हीं के साथ हैं, तो कांग्रेस को क्यों अच्छी नहीं लगी आपसे? कांग्रेस तो पीछे देखिए, कई सालों से कांग्रेस में कोई ऐसा वो नहीं है, तो कांग्रेस में इतना कोई कैंडिडेट बढ़िया नहीं है प्रधानमंत्री लायक। चलो ठीक है सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कृष्ण है। तो क्या लगता है सर, कौन सी सरकार बननी चाहिए आपको? सरकार तो मोदी की बननी चाहिए, मोदी जी की बननी चाहिए। मोदी जी की क्या, किस चीज से प्रभावित है जिससे आप मोदी जी को पसंद? मोदी गरीबों के लिए सबके बढ़िया काम कर रहा है, पेंशन दे रहा है जमींदार को,
ये 6,000 रुपये 3 महीने में 6,000 रुपये दे रही, बढ़िया इनको गुजारा हो जाए इसमें दादा। और जैसे अभी कांग्रेस है और अन्य पार्टी है को क्यों पसंद नहीं करे? सुनो जी, देखो आप डिस्टर्ब ना करिए, थोड़ा सा एक मिनट रुक जाइए, मैं बाद में कर लेना जो भी डिस्कस करना है। आप ये बताइए सर, क्यों जैसे दूसरी पार्टियां क्यों पसंद नहीं आती है? नहीं, दूसरी पार्टी को काम ही नहीं करी जमींदार के लिए। जमींदार के लिए मोदी जी ने काम किया, हमें जमींदार आई है, हमारे पास नौकरी तो है नहीं, हम जमींदार आदमी है, हमें जो जमींदार के लिए फायदा करे उसी को माननी। सर आप अपना नाम बताइए। राम प्रताप है। तो राम प्रताप जी, क्या लगता है कौन सी सरकार आनी चाहिए अभी? मोदी सरकार मान रहा था, मोदी जी को बेस्ट मान रहे हो, तो मोदी जी की कौन सी चीज है? एक तो मोदी जी ने डिफेंस के लिए बहुत अच्छा काम किया, एक विदेश नीति मोदी जी की बहुत अच्छी है, और एक गरीबों के लिए बहुत काम किया है मोदी जी ने। देखो हर आदमी की पूर्ति होती नहीं, लेकिन गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम किया, और उन पैसों से कोई काम नहीं, 6,000 दे दिए, 5 इनके कोई मतलब नहीं, ये तो डिफेंस वाला काम सबसे बढ़िया कर दिया, विदेशों में भारत की मान्यता हो गई। पहले कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया, बस लुट्टा खोज रहा थी कांग्रेस। अभी और जैसे 2-3 पार्टियां नई जैसे यहाँ है, आप तो मोदी जी पसंद कर ना, ये आज नुनने से कल नुनो जी जयराम जी के लेनो है कदम, क्योंकि रिश्वत खान ने मिलेगी इतने सरकार में पड़े ना मिले, उन्हें बाज की नारी कर लिया, तो कैंडिडेट थे वो कोई भी हो, हम तो मोदी ने वोट दिया। चौधरी धर्मवीर सिंह है मान लो, या धर्मवीर सिंह हो चाहे लाल सिंह हो कोई हो, उन कैंडिडेट ने वोट दिया बीजेपी का, बीजेपी का जो कैंडिडेट होगा उसी को वोट दिया। ठीक है सर, सर आप अपना नाम बताइए। नरेश नाम है जी मेरा। तो नरेश जी क्या लगता है कौन सी सरकार बनने जा रही है? मोदी की सरकार बनेगी। मोदी जी को पसंद कर रहे हो, तो ये सारा गांव है आपका जितने भी है, एक LSP BSP का जो राजकुमार सैनी को पसंद कर रहे हैं जी। पर मोदी ने भ्रष्टाचार बहुत खत्म कर दिया जी, पहले भ्रष्टाचार कांग्रेस में बहुत भ्रष्टाचार होता था, नौकरियों की बिक्री होती थी, सरकारी नौकरियों पर सब पर बिक्री होती थी, पर मोदी जी ने बहुत ही अच्छा काम करा है इंसाफ से, और मतलब जो भी कोई भर्ती होती है बीजेपी सरकार बहुत ही अच्छी तरह से वो काम कर रही है। तो आप इसी गांव से बिलोंग करते हैं? हाँ जी। चल ठीक है, ये बलाचा गांव के कुछ लोग थे जिन्होंने अपनी अपनी जो है राय न्यूज 70 की जो टीम यहाँ पहुंची है उनको साझा की है। आप देखते रहे न्यूज 70। नमस्कार।